नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नुक्ताचीन। चलिए बात करते हैं 2020 की पहली शानदार फिल्म छपाक के बारे में, जो कि ना सिर्फ साहसी दीपिका पादुकोण के उम्दा अभिनय से जीवंत हो उठती है, बल्कि मेघना गुलजार नाम की महिला निर्देशिका की वजह से एसिड अटैक सर्वाइवर्स पर बनी बेहद संवेदनशील फिल्म बनती है। छपाक की पहली तारीफ तो यही है कि हिंदुस्तान में एसिड अटैक जैसी आम होती जा रही हृदय विदारक घटनाओं पर बेहद कम फिल्में बनी हैं। 2018 में एक शॉर्ट फिल्म आई थी आंटी जी नाम की, उसमें शबाना आजमी के साथ अनमोल रोड्रिक्स नाम की एसिड अटैक सर्वाइवर ने अभिनय किया था। इसके अलावा पिछले साल 2019 में मलयालम भाषा में बनी विचलित कर देने वाली ओयारेआई, जिसमें पार्वती ने एसिड अटैक सर्वाइवर के रोल में बेहद प्रभावशाली अभिनय किया। हमारे सिनेमा और समाज की यही उदासीनता शायद वजह बनी कि मेघना गुलजार ने छपाक की शुरुआत निर्भया मामले में इंसाफ मांगने वाली भीड़ के लंबे प्रोटेस्ट से की और उसी दौरान यह मुद्दा उठाया कि रेप विक्टिम के सामने एसिड अटैक विक्टिम्स को कौन पूछता है। आपको फिल्म की शुरुआत में भले ही यह संवाद थोड़ा सा असंवेदनशील या फिर सिनिकल लगे, लेकिन जल्दी आप समझ जाएंगे कि मेघना ने अलग से रेखांकित करते हुए ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप फिल्म में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मेघना गुलजार ने किसी कवि वाली संवेदनशीलता के साथ तेजाब के हमलों से जूझती जिंदगियों का गहराई में उतरकर बारीक निरीक्षण किया है। छपाक उयारे से इसलिए भी बेहतर फिल्म है क्योंकि ये यथार्थ के बेहद करीब है और पार्वती की मलयालम फिल्म की तरह आधी यथार्थवादी आधी फिल्मी नहीं है। अच्छा, कवि से याद आया, गुलजार साहब ने छपाक के गाने लिखे हैं और वैसे तो उनके गीतों की रोमानियत में हम बरसों से भीगते आए हैं, लेकिन छपाक का जो टाइटल ट्रैक है छपाक से पहचान ले गया, इसे जब आप फिल्म में देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। किसी खौफनाक घटना को फिल्मी पर्दे पर चित्रित करने के तमाम तरीके होते हैं। पार्वती की उयारे में भी तपाक से हुए एसिड अटैक की घटना को स्लो मोशन में बेहद विचलित कर देने वाले अंदाज में रचा गया था, लेकिन छपाक में मेघना गुलजार ने एक अलग ही कल्पनाशीलता का उपयोग कर अपनी नायिका मालती पर हुए एसिड अटैक की घटना को गुलजार के इस गीत और दीपिका पादुकोण की चीखों की टेक लेकर ऐसा चित्रित किया है कि आप लंबी देर के लिए सिहर उठेंगे। यह सीक्वेंस फिल्म की शुरुआत में आता है और इसके पीछे की वजह बहुत बाद में, लेकिन दोनों ही वक्त इसका इम्पैक्ट आप पर रत्ती भर भी कम नहीं होता, क्योंकि मेघना गुलजार का त्रासदी को चित्रित करने का तरीका बेहद अलहदा साबित होता है। छपाक वक्त में आगे पीछे आती जाती रहती है, यानी कि लीनियर तरीके से सीधे सीधे अपनी कहानी नहीं कहती, वर्तमान और भूतकाल के बीच सफर करती चलती है और ये नॉन लीनियर नैरेटिव लक्ष्मी अग्रवाल की जानी पहचानी कहानी को अंत तक दिलचस्प बनाए रखता है। साथ ही मालती पर हुए एसिड अटैक से जुड़ा पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रूम ड्रामा आपको मेघना की ही फिल्म तलवार के उत्कृष्ट शिल्प की याद दिलाता है। भले ही यहाँ उस तरह का सस्पेंस या रोमांच नहीं मिलता जैसा हमने विशाल भारद्वाज की लिखी तलवार में पाया था, चूंकि मेघना गुलजार ने लक्ष्मी अग्रवाल के संघर्षों और हौसलों से भरी जिंदगी पर ही छपाक बनाई है, इसलिए फिल्म को इंटेंस बनाने के लिए अतिरिक्त भावुकता पैदा करने के लिए मेघना किसी भी तरह की बेजा नाटकीयता और काल्पनिक ट्विस्ट को पटकथा में शामिल नहीं करती हैं। आज के समय में जब पीरियड और बायोपिक फिल्मों का मिजाज प्ले टू द गैलरी वाला हो गया है, उनमें ढेर सारे झूठ और मनगढ़ंत किस्से शामिल करके उन्हें मनोरंजक बनाने की कोशिशें होती रहती हैं, मेघना गुलजार की ईमानदारी खासी प्रभावित करती है। हालांकि लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित होने के बावजूद छपाक में तकरीबन सभी रियल लाइफ किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। लक्ष्मी अग्रवाल मालती हो गई हैं। लक्ष्मी को रियल लाइफ में प्यार करने वाले आलोक दीक्षित को विक्रांत मैसी ने निभाया है और वे अमोल हो गए हैं। फिल्म में जिस एनजीओ में दीपिका और विक्रांत काम करते हैं उसका नाम छाया फाउंडेशन होता है, जबकि रियल लाइफ में आलोक दीक्षित और लक्ष्मी अग्रवाल छाव फाउंडेशन नामक संस्था में साथ काम करते थे। अच्छा, ये भी बताता चलूं कि फिल्म में किरदारों के नाम भले ही बदल गए हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह दीपिका पादुकोण को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाली ऑनलाइन कीचड़ दावा कर रही थी। नायिका पर एसिड फेंकने वाला शख्स फिल्म में राजेश नहीं है, बल्कि बशीर खान नाम का मुसलमान किरदार है, जो कि रियल लाइफ में लक्ष्मी अग्रवाल पर तेजाब फेंकने वाले नईम खान से ही प्रभावित है। ये भी अलग से गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम खलनायक के होने के बावजूद मेघना गुलजार ने कहीं भी खलनायक के धर्म को घटना से नहीं जोड़ा है। मुस्लिम बैशिंग
और इस्लामोफोबिया का जो खराब ट्रेंड इन दिनों खुल्लम खुल्ला फिल्मों में चल रहा है, मेघना ने उससे खुद की फिल्म को कोसों दूर रखा है। उनके लिए तालियां। चूंकि छपाक को अंतिका चौहान और मेघना गुलजार की लेखकी टीम ने यथार्थ के बेहद करीब रखने की कोशिश की है और काल्पनिक नाटकीयता का सहारा नहीं लिया है, इसलिए फिल्म में वो कसाव और रोमांच हमेशा नहीं बना रहता जो कि तलवार और राजी की खासियत थी। फिल्म का इमोशनल कोर सदैव बेहद प्रभावी रहता है और आपकी आंखें कई कई बार नम होती हैं, लेकिन कई सारे घर परिवार से जुड़े दृश्य और एसिड अटैक सर्वाइवर्स की आपबीती बताने वाले कुछ दृश्य इंटरवल के बाद वाले हिस्से में फिल्म को ढीला कर देते हैं। फिल्म का आखिरी थर्ड एक्ट भी उस तरह का मारक नहीं है जिस तरह का राजी और तलवार जैसी 4-स्टार रेटिंग वाली फिल्मों का रहा था। एक कमी यह भी अखरती है कि दीपिका को स्कूल जाने वाली लड़की बनाते वक्त VFX की मदद ही नहीं ली जाती और हम दर्शकों से उम्मीद की जाती है कि 34 की नायिका दीपिका को हम 18-19 साल का मानकर यह हिस्सा देख डालें। यह भी अखरने वाली कमी है कि अटैक से पहले वाली दीपिका को इतना खूबसूरत दिखाया जाता है कि मालती का किरदार जिस परिवेश से आता है, खानसामा बाप और अमीरों के सर्विस क्वार्टर में रहने वाला उसका परिवार, उस परिवेश से निकली नायिका पर पीकू और पद्मावत वाली खूबसूरत दीपिका पादुकोण बिल्कुल नहीं जचती हैं। मेघना गुलजार फिल्म के इस महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावशाली बनाने में सफल जरूर रहती हैं, लेकिन ये कमी हर फ्रेम में खटकती है। छपाक छोटे छोटे मार्मिक दृश्यों और मारक संवादों से भी बड़ी बनती है, जैसे मालती का छोटे छोटे उन लम्हों में खुशियां ढूंढना जो मेरे आपके लिए बेहद साधारण लम्हे हो सकते हैं। केस जीतने के बाद कोर्ट से निकलते वक्त चेहरा छिपाने वाली चुन्नी को हटा देना और बैकग्राउंड में खोल दो आसमान नामक गीत का बजना, ट्रेन में दूसरी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ फूल बनी चिंगारियां बोलते हुए दुपट्टा उड़ाना, सर्जरी के दौरान डॉक्टर से कहना इस बार आप मेरे कान बना देंगे, विक्रांत मेसी का तेजाब फेंकने वालों की मानसिकता को समझने की कोशिश करते वक्त यह कहना कि एसिड पहले दिमाग में घुलता है फिर ही तो हाथ में आता है, मालती की वकील बनकर प्रभावी अभिनय करने वाली मधुरजीत सरगी का एक सीन में कहना कि आप मुझ पर गरम चाय फेंक दो या तेजाब, बदकिस्मती से भारतीय कानून में सजा बराबर ही मिलती है। ऐसे मार्मिक दृश्यों और मारक संवादों के सहारे ही मेघना गुलजार ने अथाह धैर्य के साथ एसिड अटैक सर्वाइवर के अटैक के बाद वाली जिंदगी को रियलिज्म का हाथ पकड़कर सिलसिलेवार पर्दे पर रचा है। चेहरे के 7 ऑपरेशनों से लेकर 7 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाकर एसिड की बिक्री पर पाबंदी लगवाने की मालती की कोशिशों को मेघना ने अपने और अतिका चौहान के लेखन के सहारे पर्दे पर जीवंत सा कर दिया है। छपाक देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे मालती की जिंदगी हमारी आपकी नजरों के सामने ही घट रही हो। सिनेमा के माध्यम में ऐसा कर पाना कतई आसान नहीं होता। अभिनय के मामले में विक्रांत मेसी हमेशा दीपिका पादुकोण के अभिनय को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं। जहां दीपिका बेहद शांत किरदार अदा करती हैं, वहीं सिस्टम से लगातार लड़ने से पैदा होने वाले गुस्से और नाराजगी को एक्टिविस्ट बने विक्रांत बेहद प्रवीरता से चेहरा देते हैं। छोटे छोटे दृश्यों तक में उनकी इंटेंसिटी देखने लायक होती है और दोनों कई बार आग और पानी के मेल जैसे लगते हैं। जाहिर तौर पर ये इत्तेफाक नहीं है बल्कि मेघना ने सोच समझ कर ही ऐसे मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों नायक नायिका के किरदारों को दिए हैं। तमाम त्रासदियां झेलने के बावजूद दीपिका का किरदार ज्यादातर वक्त शांत, संयमित और ठंडे पानी की तरह शीतल बना रहता है। वो अन्याय की खुलकर मुखालफत करने वाली आज के दौर की नायिकाओं जैसा व्यवहार नहीं करता। उयारे तक में पार्वती ने अटैक के बाद अपने किरदार के आक्रोश, उसके जुनून, उसकी खींच का इजहार बार बार किया था, लेकिन उसकी तुलना में दीपिका का किरदार अटैक के बाद भी खामोशी से, संयम से लड़ाई लड़ता नजर आता है। जाहिर तौर पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेघना गुलजार ने लक्ष्मी अग्रवाल से लेकर ही मालती को दिए होंगे, क्योंकि लक्ष्मी की ज्यादातर पब्लिक अपीयरेंसेज में वे शांत, संयमित रहकर मुस्कान बिखेरते हुए ही नजर आती हैं। गौर कीजिए, यहाँ भी मेघना गुलजार अपने रियल लाइफ सब्जेक्ट्स के प्रति ईमानदार बने रहने की कोशिश करती हैं, जबकि वे आसानी से मालती को ओवर द टॉप हीरोइज्म दे सकती थीं। दीपिका पादुकोण भी मालती के रोल को अपना सब कुछ देकर उसे जीवंत कर देती हैं। आज तक के अपने करियर में सदैव खूबसूरत दिखने वाले किरदार निभाने वाली इस अदाकारा ने कहीं से ये महसूस नहीं होने दिया कि वे इस रोल में आउट ऑफ प्लेस हैं, या फिर खुद की अभिनय क्षमता का शो ऑफ करने के लिए अपने ही प्रोडक्शन में हीरोइन बन बैठी हैं। अटैक के बाद वाली भावनात्मक उठापटक से लेकर चेहरे पर अलग अलग स्टेजेस वाले प्रोस्थेटिक्स कैरी करने तक
फिर वापस आत्मविश्वास से भरकर अपनी और दूसरों की लड़ाई लड़ने तक और उसके बाद प्यार में पड़ने तक आपको दीपिका के अभिनय में इतने सारे शेड्स देखने को मिलेंगे कि वो आपको दीपिका नहीं मालती ही नजर आएंगी। मेरी तरफ से कुछ कमियां होने के बावजूद इस बेहद साहसी और उम्दा फिल्म को 3.5 जगमगाते स्टार। कई लोगों को लगता है कि फिल्म निर्देशकों का जेंडर नहीं देखा जाना चाहिए। दुनिया भर में कई लोग मानते हैं कि महिला निर्देशिका जब महिलाओं से जुड़ी कहानियां कहती हैं, तो वे मर्दों के बनिस्बत बेहतर तरीके से उन कहानियों को व्यक्त कर पाती हैं, जैसे हॉलीवुड की सोफिया कोपेला, फीबी वॉलर ब्रिज, ग्रेटा गर्विंग। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रतिभावान मर्द निर्देशक भी महिलाओं से जुड़ी कहानियों को उतने ही बेहतर अंदाज में व्यक्त करने की प्रतिभा रखते हैं। इस दूसरी कैटेगरी के महानुभवों को छपाक जरूर देखनी चाहिए। मेघना गुलजार की संवेदनशीलता, उनकी फीमेल गेज ने छपाक को जो अलहदा टेक्सचर दिया है, वो सिर्फ फिल्म देखकर ही आंखों से महसूस किया और समझा जा सकता है। धन्यवाद।